सल्ले अला मुहम्मदिन और कुछ कम मुझसे जब खुदा कम किया है नेक क्या साफ कहूंगा बरमला साफ कहूंगा बरमला सल्ले अला मुहम्मदिन और किसकी मजाल दम भरे सिफ्त रसूल की करे और किसकी मजाल दम भरे सिफ्त रसूल की करे जिस पर खुदा ने खुद कहा जिस पर खुदा ने खुद कहा सल्ले अला मुहम्मदिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे इस्लामी बहन भाओ आज तक मैं दसना चाहना वा जरा कसीदा गोशिया मैं 400 दफा पढ़ा रहा पढ़ना की होंगे एडी रूहानियत की बंदे ना करती है और बंदे ना की आंदा है। कसीदा गोशिया 400 दफा जो बंदा पढ़ता है उदो की बंदे ना होंगे बंदे की कुछ नजर आंदा है। अगर बंदा नहीं पढ़ता उस फिर बंदे नू किस तरह वो आके गाइड करते हैं पुछते दसते हैं भी हाँ भी क्यों नहीं पढ़िया जा पढ़ इन दोबारा यह किसी का गोशा भी है जी सिफ्त कर मैं दसदा जो थोड़ा बंदा नहीं ना पढ़ेगा छड़ देगा फिर रात को मखलूकात आके किसी कोई ना कोई इशारा करेगी पूछेगी आ कि हाँ भी क्यों नहीं पढ़ा जाए पढ़िया कर। इसलिए मेरे दोस्तों कसीदा गोशिया पहले नंबर तक दसा ये पढ़ने वाला बंदा ना खौफ बड़ा खाना ये जो खौफ बड़ा है और जोड़ा बंद ने कभी पढ़िया नहीं उन्होंने तो दोस्तों बहुत ही खौफ आता है। मैं तुम दसना भी मैं जो सब तो पहले इस लाइन च आया सो बंदा बचपन च आता इस काम च आता 13-14 साल का बंदा बच्चा होंगे उन्होंने शौक पैजे तो वो बड़ी है यानी कि ना काफ़ी दुशवारी होती है वो दोस्तों मैनू बड़ा शौक से चीज़ का तो मैं नमाज पढ़ जो मैं पता लग गया चीज़ यानी कि तरीके पढ़ाई करनी है जाना है अल्लाह दोस्त बनने की कोशिश करनी है तो फिर दोस्तों मैं जानी कि बचपन मस्जिद जाना शुरू होया मस्जिद नमाज पढ़ने गया उ एक व्हाट्सएप साइकिल आते मैं तुम दसदा वो हर रोज़ सुबह 4 बजे आते सर्दियाँ दिन होंगे 4 बजे आते तो मेरा पहले पहले नवा नवा मैं शायद मस्जिद गया तो उत्थे सुनया होया तो जिन्हें भी नमाज पढ़ने से आते हैं पहले यह भी खुआ ना होंगे जिन्हें भी नमाज पढ़ने पढ़ते भी है नहीं भी तुम दस दी जिन्ना भी मस्जिद जाते जिन्ना पढ़ना नमाजा बातें करते मेरे दोस्तों मैं तुम दसना खौफ की गल पहले खौफ की होंगे फिर उस तो बाद अगला काम तुम दसना मेरे दोस्तों मैं यानी कि इन्ना इन्ना शौक पै गया एक दिन सोने दो उठा मैं रात को बच्चा था मैं उठ के चला गया उस उठे मैं जाके जो मैं जाके उस वजू किया वजू करके लाइट बंद की लाइट बंद करके मेरे दोस्तों मैं तहज्जुद की नमाज नीती है जो तो मेरे दोस्तों मैं तुम्हें खौफ की गल दसन लगा खौफ कितों शुरू होता किस तरह बच्चे आता है जो बंद ने पढ़ाई ना की हो बच्चा नहीं कोई व्डा भी पहली बार लैन जाए उन्होंने इस ही खौफ आता है खौफ इस ही पाते हैं जोड़े होंगे ने यदि रूहानियत होती है जो मेरे दोस्तों मैं जाके उ जो मैं लाइट मस्जिद की बंद की है बंद करके जो मैं अल्लाह अकबर किया ना तो दोस्तों मेरे दिल से ख्याल आ गया वो इतने जिन भी होने जिन भी नमाज पढ़ते होंगे बचपन जो होता बंदा इन्ना खौफ खाता तुम दसदा तो सामने मेहराब के सफ खड़ी की उन्होंने उदो खैर सफा जो दरिया पैनिया होंगी सी उस टाइम 78 77 1977 की गल कर रहे हैं उदो मैं गल कर रहा
ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਂ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਵਸਾ ਪਾਇਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨ ਖੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਕੋਸ਼ਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੁਬਹਾ ਉਦੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਫ ਤਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸੱਤ ਅੱਠ ਬਣ ਗਏ ਜਿੰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਿੰਨ ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੜ 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 ਕਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਝੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਸ ਕੰਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖੌਫ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਕ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਲੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਟ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਵੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪੀਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸਈਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਦਸੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਖੌਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨੂਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਖੌਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕੈਸਾ ਖੈਸਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨੱਸਦਾ ਫਿਰ ਬਿਲਾ ਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਰੜ ਜੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹਟਾਉਂਦਾ ਡਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਹਟਾਉਂਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੈਣ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਹੋਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁਦਾਖਲਤ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਯਾਦ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਮੈਂ ਤਹੱਜਦ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੋਸਤੋ ਐਡੀ ਜਲਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਸਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਆਲਮ ਉੱਤੋਂ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਾਲੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਯਾਦ ਕਰੇ ਰੱਟਨੇ ਰੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਵ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
सुनिया होना है कि इस धौन उत्थे पई देखी है, गर्दन उत्थे यानी कि बाजू उत्थे पे देखे, धड़ उत्थे, पैर उत्थे पे होंगे ने, एक सीधा गोशिया और जे। लेकिन दोस्तों तनहाई मंगता, तनहाई कसीदा गोशिया जो तनहाई मंगता है यह बंदे रह नहीं दिना, कला करना कला हो गया बस पढ़े तो कला ही है। और दोस्तों फिर ये कलमा कमालत होर भी हैगी है किसदा गोशिया की, बंदा आराम सुता हो गया तो समझो तुम मंजी आए महसूस हो गई फुट उत्ते सुते जमीन तो उत्ते धड़ी मंजी उठ रही, इन्नी ऊंचाई तुम महसूस होएगा जो बंदा कसीदा गोशिया पढ़ना होएगा तुम दस रहे कमालत जो नजर आते हैं बंदे एक फुट मंजी घट घट की उत्ते बंद महसूस होती बंद हर किस्म का ये यानी कि तू इशारा मिलेगा मखलूकात नज़र आनी है ये तुम बुजुर्ग नज़र आते हैं जिन्ना तो कोई तुम बुजुर्ग उड़ते नज़र आने उड़ते। मैं तुम दस रहा जो मैं 400 दफा कसीदा गोशिया पढ़ना शुरू किया दोस्तों, पहले तो मैं कसीदा गोशिया पढ़ के दस दवा कसीदा गोशिया है कि ताकि तुम पता लग जाए कि कसीदा गोशिया कह दो कि दोस्तों कसीदा गोशिया इतों यह पढ़ता जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदा लिलहुब्बो कसातिल वसाली फकुल तुरे खमराती नावी ताली सातु मशत लेना फीक ओसन फाहिम तुरे सुकराती बैनन मवाली फकुल तुरे सादिल ताबिलुम जिहारी वद खुदुम तुरे जारी वमु अश्रब वन्तु जनूदी फसाइकल कौम बिलवाफी मनाली शरत तुम फुदलाति मिन बाद सुकरी वलनिल तुरु तसाली मुकामकुम अवलई फोकुकुम जाल आली نافي ادرت التقرب الوحد يسرفني واسم ذو الجلال اشهاب كل شيخ من ومن لفر جاد مصاري كساني خلاتم بتراز عزم وطو وجني بدي الكمال واطلع آني على سر قدم كلا داني وطان سوالي ووالاني على نقطاب مجم من فقم نافذ في كل عالي فلال كسر في بحرس كل غرف زوالي ولال كسر في جبال دقت وقفا بين الرمالي ولال كسر فقامة لقوم قدرة المولى تعالي ومن عشور أدور تمر وطن كازل تالي وتخبر بما ياتي ويجري وطول مني فاكسر جدال مريد اهتب وشتها وغني وعف ما شفر اسمان مريد لتاخف الله ربي أتاني رفعة نلت المنالي تقول في اسمه ولا دقة بشرات قدم داري بالله الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي كالصفالي نظر تو الا بالله الله جم قد ذاتم على قوم سالي ترسل ما تشد قد مؤمنين تصدا نور النوالي فمن في اولياء الله مسلم ومن في علم التشريف عالي وكل ولي على قاد من نبي بعد الكمال رجالي في وجهم سيام وافظ الله من يعني كل العالي نبي هاشمي مكي حجازي وجدي بهن المناري مريد لتاخف وائف واني عزمون قاتل عند القتال انا الجيلي مهدن اسمي ولامي على راس الجبالي انا الحسني والوقد مقامي وقدامي على امك الجاري وعبد القادر مشهور اسمي وجدي سبا القمالي تقبل مرتر دوس والك شنس سيدي انزب خالي آخری جب بند پڑے تقبل نہیں مرا تر دو سواری کے شنی سیدی انجر پہ حالی اے دوستو دعایا گی انہوں تسی بار بار تین دفعہ پڑے آپ کو کسیدہ گوشیا پڑھنا ہوگا اے کسیدہ گوشیا دوستو میں نے میرے بابا جی نے دسیا پڑھنا آتے میرے بابا جی اہی کسیدہ گوشیا پڑھ دے سی ٹھیک ہے پکایا ہو بند اگے پیچھے ہوندے نے تھوڑے جے کئیاں تو بند اگے پیچھے ہوندے نے کئیاں نے بند وچ کٹ لکھے ہوندے نے ایک دو تو اس لیے دوستو اے پورا یہ کسیدہ گوشیا جڑا میرے بابا جی پڑھ دے جڑا مینوں دسیا میں تم کو پڑھ کے سنایا اے میں کسیدہ گوشیا پڑھ دے رہا और दोस्तों कसीदा गोशिया जो दसिया तो फिर मेरे दोस्तों खौफ जब तुम पता कसीदा गोशिया पढ़ने का खौफ तो इन्ना आता बंदा सोचो बाहर काम हो जाता हूँ मैंने कोई जगह ना लगे मैं कसीदा गोशिया पढ़ा तो मैं दोस्तों फिर दाता साहब रात को जाना हूँ सा उ थोड़ा जहा रश होंगे यानी कि लोग आते मैं कहना लोगों के बह के पढ़ लगा मैं खौफ नहीं आएगा लेकिन दोस्तों खौफ तो खौफ हैगा चाहे तुम लोगों ही बैठो चाहे तुम कल होकर बैठो उन्होंने जो मखलूक आँदी वो खौफ पाती है कसीदा गोशिया की एक सिफत हैगी है ताडे तो खौफ तारी हो गई हो तुम दस दा मखलूक तो नज़र नहीं आनी आनी और फिर खौफ तारी होंगे लो मेरे दोस्तों उत्थे मैं दत्त साहब जाके अपना झाका लाना शुरू किया जिन्होंने कहते झाका डर डर लाना शुरू किया दत्त साहब चला जाकर उसे मैं एक दफ़ा पढ़ा पाया एक तो फिर मैं दो दफ़ा किया दो तो फिर मैं तीन दफ़ा किया फिर मैं 11 दफ़ा लाया जो मेरे दोस्तों कसीदा गोशिया 11 दफा दाता साहब जाके मैं पढ़ना शुरू कर दिता मैं ज्यादा इनके बुद्ध आदमी चल जाना सर रात पूरी रहना सर दस साहब
मेरे दोस्तों कसीदा गोशिया पढ़ते पढ़ते हैं ये जो बंद ये कम बड़ा वाला होर हों कलम जारी करा दिता अल्लाह तला तू ज्यादा होंगे सरकार उस पास की होगी हजरत अली की लाजमन होगी तुम दस हजरत अली की ज्यारत होंगी है ना तुम गोश पाक का कसीदा गोशिया पढ़ना गोश पाक का हों गोश पाक आने के को हजरत अली की तुम दीदार होगा। मेरे दोस्तों मैं दाता साहब बह के पढ़ रहा कसीदा गोशिया जो पढ़ रहे मैं उस सिर्फ ग्यारह दफे पढ़ना ग्यारह दफे की गल कर चार सौ दफे बाद जाना है जो ग्यारह दफा उसे कसीदा गोशिया दाता साहब बह पढ़ के रात दो बजे तो मैं सामने जाके जारी ना सरकार के कोल में जाके कसीदा गोशिया पढ़ के मैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो चंद बारा ही किया सरकार की जारी के नाल जिते आप जब ना पानी लगे है ना वो नाल ही बिल्कुल जारी के नाल सोता है अखा बंद करके मेरे दोस्तों सरकार दाता साहब ने तवज्जो मेरे हाल कर दी तुम दस लगा दाता साहब यानी कि कमलनाथ के दाता साहब की करामत भी हैगी तुम दस दो कलम जारी करता दाता साहब कलम जारी करता जे तुम दसदा मैं दाता साहब ने यानी कि जारी नाल खलो के जो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह दाता साहब ने एवं मैंने झटके लगे उत्थे यानी कि मेरे सीने के उत्ते झटके लगे इस तरह लगे मैं कर लगे अल्लाह ला इलाहा भुल के अल्लाह शुरू हो गई मेरी दोस्तों मैं डर गया उस टाइम क्योंकि उदो 15-16 साल की उम्र मेरी हो गई थी मैं उदो डर गया मैं हाँ लगी की हो रहा मेरे जो मैं डरिया आस पास देखा कुछ नहीं फिर मैंने दे अपने आप ही ख्याल आ गया दस साहब तवज्जो हो रही दोस्तों मैं फिर अखा बंद कर दो मिनट खोता दस साहब के दरबार के अगर जाने के नाल दाता साहब जिनी तवज्जो होनी है दिलों ठंड पै गई मेरे दिन कहते सुकून होना है मैं अगर लगे बर्फ लग गई मेरे अंदर तो मैं अल्लाह करना शुरू करता है उदों का मेरा कलम जारी होया है तुम दसा ए कलम भी जारी हो जाते जो खिला कुछ पढ़ता है ना किसी बुजुर्ग मजार जाके उदो कलम भी जारी हो जाते हैं तो रूहानियत पूरी रूहानियत हैगी तुम दसदा लो दोस्तों मैं आके सुबह अपने पीर नूं दसिया अपने पीर साहब को आया मैं बाबा जी राती मेरे ना ए उत्थे दाता साहब मैं गया राती मैं ए उत्थे मेरे ना तवज्जो हुई मैं अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई तो मेरे पीर साहब फरमाते वो कहते वो बच्चिया वो कर्मा वाले तेरे मुर्शिद तेरे बड़ा ही कर्मी इस कम लई अल्लाह अल्लाह पता नहीं लोग जंगलों च गए रोजे रखते ने यानी कि इबादत इस काम नहीं करते ने कलब साडा जारी हो जाए उस तो बाद कलब जारी होना तेरी बहुत नसीबा ना तेरे पीर का तेरे से बड़ा हाथ ही एमएस पीर साहब फरमारे ने मेरा तो यानी कि इस चीज़ का मैं पता नहीं सीधा की हो रहा मेरे उन्हें कहा दस साहब ने तेरे पीर की तफैल तेनों तेरा कलब जारी किया उत्थे जागम दसना यह हों पीर का पिछे हाथ हो पीर ने पढ़ाई दसी हो सीधा गोशिया नाल हो फिर देखो फिर कलब भी नाल जारी कर दे कलब जारी दाता साहब भी है करामत भी तुम दस रहे दस साहब कलम जिंदा कर देंगे जिक्र फिक्र पक्का कर देंगे बंदा फिर उस जिक्र छड़ नहीं सकता ऐसा काम भी है। लो दोस्तों फिर उस तो बाद मेरा झाका लथ गया दोस्तों फिर तुम दसिया दो चीज़ा जी है ना एक कसीदा गोशिया एक सुर मुनम्मिल कभी मैं इनू 400 दफा पढ़ रहे कभी कसीदे गोशिया 400 दफा पढ़ रहे तो यह एक इस तरह की ताकत हैगी है मैंने अपने अंदर कुवत पैदा करना बड़ा शौक है ताकत मेरे तो होनी चाहिए ताकत होनी चाहिए दोस्तों पहले मैं तुमने एक मिसाल थोड़ी दसन लगा गल दसन लगा जे बंदे एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने समझ हो गया इस चीज़ की जे वेट लिफ्टिंग कर उन्होंने पता होगा दोस्तों मैंने बड़ा ताकत बनाने का शौक हों मैं सुबह टाइम एक्सरसाइज करनी दौड़ वगैरह लगानी तो जो मैं अपने दोस्तों को कम से जाना कम से जाकर उन्हें कहना यार मेरे तक ऐसे दसो जो मेरे को सीनियर बंदे से उस वक्त एक्सरसाइज करने वाले उन्होंने कहना दसो यार कोई ताकत बनाने मैं तरीका दसो मेरे दोस्तों एक मैं बहुत सियाना बहुत अच्छा जानी कि बंदा है सी वो अस्ट्रोल एक्सरसाइज करता सी वो कहना आप यार जे तो तू वाकई ताकत बनानी है ना तो फिर एक कम कर एक स्टाक चने दाल कच्ची लै अद्धा किलो दुध लेना तू इन रात को थोड़ा जहा गर्म करके इन दाल में भिओ देना है तो सुबह नरने कलेजे खाना है तो जे तू एक स्टाक दाल खाए तो तेन पता लग जाएगा ताकत की हैगी है ताकत किस तरह बनती इंसान अंदर कैसे ताकत आती मेरे दोस्तों का मैं ताकत दर्शन लगा कि ताकत जो बंद आती है तो फिर यह ही रूहानी भी ताकत होंगी इस तरह या दुनिया में जिसमें भी ताकत आए तो यह रिजल्ट हों मेरे दोस्तों मैं यार तेनों कह पता लगे मैं दाल खा कहता तू खा के आएगा ना तो मैं पता लग जाएगा हर रोज़ मुलाकात होंगी सी मेरे दोस्तों मैं रात दुध लिया के अद्धा किलो दुध लिया
दाल चने टाकी पे हुई है, सुबह हुई है, सुबह एक साफ करना से उठा मैं, मेरे दोस्तों इन्नी बड़ी जिनी दाल इन्नी सी इन्नी बन गई जो मेरे दोस्तों चमचियां जो मैं खानी शुरू की, एक चमची अंदर जाकर जो दो चमचियां बाहर आन, एडा जिनकी स्मैल दुध की भैड़ी होगी, एड्डी कच्ची दाल तो बहुत बुरे हाल थे, लेकिन शौक सी ताकत बना मैं सोने करते करते हम दाल खा गया। दाल तो जी खानी खानी उस दुध पीना उस तो भी जानि कि बहुत ही मुश्किल बंदा पी सकता, वह बक बगैर जैका होता बंदा नहीं पी सकता, लेकिन दोस्त मैं पी गया। जो पी गया पूरी चाकी दाल भी खा गया, दुध भी अद्धा किलो पी गया, लो दोस्तों एक्सरसाइज कर करके चला गया। मैं अपने दोस्तों दसिया जाके मैं यार मैं स्टाकी दाल खाया है, कहता अगर तू स्टाकी दाल खाधी है ना बच्चे तो तेरा मैं पता लग जाए बारह मिनट तक। लो दोस्तों बाकी मैं इनू कह पता लगे मैं स्टाकी दाल खाया, जो दोस्तों मैं खाधी स्टाकी दाल दुध पी के गया, दस साढ़े दस बजे ने सोने, फिर वो दाल ने अपनी ताकत का असर दिखाना शुरू कर दिता, उन्हें मेरे पेट च गड़बड़ शुरू कर दी, ताकत सी ताकत कितने बर्दाश्त, एक बच्चा हो नौजवान बच्चा तो उस टाकी दाल कितने खा सकता है। फिर उस मैं कहना मैनू उन्हें हिलन दिता मेरे दोस्तों, वो ताकत ने मैं पेचस लग गए मैनू, मैं समझ आया मैं तुम दसदा, उन्हें क्या सुना बच्चे इनू कहते ताकत बचाने नाल एक्सरसाइज करनी पैंती, हर रोज मशकल करनी पैंती, दौड़ लानी पैंती, डंड मारने पैने, बैठक करनी कड़निया पैनिया ने, तो मैं वह करने बगैर ही जानी कि थोड़ी दौड़ ला के नहीं स्टाकी दाल खा गया। दोस्तों यह है जी ताकत जो ज़्यादा बनती है फिर बंदे को संभाली ना जाए तो फिर नुकसान इस तरह होता जी, यह कोई सूरज नंबलना तो सीधा गोशे की पावर हैगी है, जिस तरह दुध दाल खा के ताकत बंदे आती है बंदे की, ताकत फिर ऐसी आ जाती दाल की खाने की तरह सर, जो बंदा इस हथ करता हूँ मेरे हथ मलाई का इस तरह करके वो यानी कि एक इन्ना दबा दिना यानी कि वेट लिफ्टर मुंडिया की चंगे भले दियाँ जिन्होंने कहने चांगरा निकल जानी चांगरा निकल जानी होनी यानी ऐसी पावर अल्लाह तला दाल चनिया की दाल दुध पीना ताकत आती है, जोड़े बंदे वेट लिफ्टिंग करते हैं उन्होंने अंदाजा होगा पहलवानी करते हैं जो फिर दौड़ वगैरह लाते उन्होंने शौक है उन्होंने एक तरह दसता एक टेपी है फिर देख दी है दस दिता है भी यह मैं करता रहा ये ताकत बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो ऐसे हिसाब है कसीदा गोशिया पढ़ने वाले तो सुरन नंबल पढ़ने वाले दो चीज़ों की ऐसी ताकत हैगी है मैं कहना मिल जाती बंद संभालनी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों फिर मैं कसीदा गोशिया जो आना शुरू किया कब्रस्तान में अगर भी जाना नसा मैं दस हाँ उ जाके मैं सुरन नंबल कटा दी इन 400 दफा शुरू करता कसीदा गोशिया। दोस्तों कसीदा गोशिया वह मखलूक आने शुरू हो गई जी समाज परवाज करती है बुजुर्ग, मैं तो कहना ना जिन कहना ना उन्होंने नुकलत कहना मैं उन्होंने कहना बुजुर्ग ठीक है बुजुर्ग यानी कि उन्होंने आसमान के जोड़ दी। जो मैं कसीदा गोशिया 400 पढ़ना सा दिल करता सी यानी कि कला रव कोई मेरे लागे ना रवे कल्या कर दिता बंदों कसीदा गोशिया कला करता धर्म दस इसलिए मैं कहना बच्चों कसीदा गोशिया घट पढ़िया करो अक्सर मैं अपने बच्चों को कहना सिर्फ 11 दफा रखो क्योंकि मैं 400 दफा तक पढ़ के देखे है तदाद रखी हुई है मुसलसल रखी हुई है ऐसी ऐसी मखलूक ताे को रात को आती धर्म दसदा यानी कि सब तो व्डा मसला ये जे हिंदू जिन्नात बंद दहशत हो जाए धर्म दसदा हूँ तुम जिते बैग पढ़ रहे हो तुम पता नहीं उसे कड़ी बखरी रहन दे कड़े टब्बर रहन दे कड़ा उत्तर खानदान रहन दे वो जिन्हें हिंदू ने कि मुसलमान ने जिते बंदा बह के पढ़ रहा है वो जी मखलूक उत्तर की रहन वाली होंगी वो जिस मजहब की होंगी है ना उस मजहब को यानी कि वह बंद आना उन्होंने आना पैदा है जो बंदा किसी कुछ पढ़ता होगा वो आने शुरू हो गई। दोस्तों बच्चे है हिंदू मैं दसदा बखरी एक हिंदुआ की ना रेंदे उ मैं तुम दोस्तों दसा सीधा गोशी जो पढ़ता है जिते बंदा पढ़ता हो जी उस मखलूक रही हो फिर बंदे को आती है तो वह बंद अपने मायल भी करती फिर तुम दसा कम तो बंद करती है लेकिन मायल भी करती है। दोस्तों ऐसी एक मैं कोई जिन्नी आशिक होगी मेरे तुम मैं दस रहा कि सीधा गोशिया पढ़ दिया उत्थे वो मेरी जान ही ना छे तुम दसदा जब मैं दस जिन्ना अशक हो जाए बंद एक बंद अपने घर च बह के पढ़े तो होर गल मस्जिद बह के पढ़े तो होर गल मस्जिद चंगियां ने नेक गुरुआ जो मैं कब्रस्तान जाके पढ़ता है तो उत्थे हर किस्म बदबूआं भी होंगे ने हर किस्म की पक्षियां भी होंगे ने हिंदू जिन्नात भी होंगे ने ईसाई भी होंगे ने मुसलमान भी होंगे ने
जो दोस्तों खिदा बोसी पढ़ते हो उदो उन्होंने आना होंगे जी उसे पखरी लग लग आती आना ही पैदा तुम दसो दोस्तों फिर वो जी जिन्नी सी मैं तुम दसना फिर बंद कर दी की है खिदा बोसी पढ़ना मैं रात पढ़ के आ गए जो घर सुना तो उन्हें मैं आना मेरे को मैं लग जाना तो वो कोशिश होंगी ना मंदिर लग जावा उन्होंने कोशिश जिन्ना की है होंगी जी है अपना हिंदनी जिन्नी वो लै गई मैं रात में देख रहा मंदिर जो दिखाते हैं तुम दस रहा वो तुम दस रहा रात मैं लैके मैं गया उन्होंने चलान कहते आओ जी चलिए मैं गया उन्होंने मैं देख रहा तो उत्थे मंदिर है एक उत्थे भगवान की सारी पूजा करते पे मैं उन्होंने लागे खिलो गया जाके रात में सुता पाया खाब के मैं गया मैं कि कर मैं उन्हें नाल लागे खड़ोता है खड़ोता देखी आ गया मैं तो मुसलमान हाँ लाए ना पढ़ने वाले मैं कितने भगवाना में आ खिलो गया दोस्तों है जो होंगी मखलूकात जैसी हो ऐसा बंद बनाने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों मैं देखना उसे ये नहीं कि खड़ोते सारे इस तरह करके पूजा पाठ अपनी करते होंगे मैं उतों दोस्तों देखना वा पिछे कुआली होंगी होंगी है पिछले कुआल लगे होंगे ने एक महफल उन्होंने लगी होगी जे मुसलमान जिन्ना तो उन्हें अपनी महफल लाई होंगी उसे मैं कहना मैं ऐसा करता करना ऐसा करते ऐसा दुआ मंगनी शुरू कर दुआ मंगता मंगता पिछे हट के अपना कुआली जग बह जाना दोस्त अखा खुल जाए मैं बड़ा परेशान होना कहने मैं पढ़िया कसीदा बोसिया है तो मैं रात मैं यानी कि मंदिर च लै गया चीजें की गल है दोस्त है फिर तजर्बा बंद आसा आसा होंगे जो बंदा पढ़ाई करता फिर पता लगता है भी जिथे का बंद जिस मखलूक जिथे रही हो ही मखलूक बंदे ताबिया होनी शुरू हो जाती है लो दोस्तों फिर उस चीज़ ने जान तो नहीं छी मैं तुम दसा अज तक मेरे को आती है मुलाकात है ने लेकिन ना वो तो कभी मैं कम लिया तो ना उन्हें मैंने कोई ऐसा कम दिता जी फायदे वाला काम है फायदे आपको तो नहीं दिन चीज़ें जड़ी लो दोस्तों मैं खिदा बोसी पढ़ता रहा फिर तुम दस पूरी टाइमिंग होंगी है यह पूरा बंद पता लगता है जो बंदा रूहानियत बंद जाग पी है ना जिसे तुम मैं दसिया भी अगर मैं कबर से बह के उधर मैं सूरज नंबर पढ़ता आ रहा पढ़ के बैठा रात में दो बजे तो मैं आख्या यानी कि तुम पूरा बंदा सुता नहीं होता जागता ही होता उस टाइम तो टाइम भी उही होता बिल्कुल जो दिखाते हैं मैं तुम दस्या मैं कब्रस्तान तक पढ़ाई की तो मैं चल यार अब दो बज के चलिए इस टाइम देख के तो जो मैं जिन्ना जिन्ना जो ने आके आप कि चलिया मैं जो देखा टावर जिन्ना है दोस्तों तो मैं जो अख खुली ना घर आके देखा तो पूरा घड़ी सामने लगी हुई थी उत्थे पूरे दो ही बजे थे जो टाइम तो उस टाइम मैं नजर आया तो बिल्कुल सही परफेक्ट वही चीज़ होंगी तुम मैं दसदा इसलिए दोस्तों 400 दफा जो खसीदा गोशिया पढ़िया एक दिन पढ़िया मखलूक होर दुए दिन पढ़िया मखलूक होर मैं कहना मैनू उन्होंने वो नज़ारे शुरू कर दिए मेरे करने का मैं दसदा फिर बंदा सुन जोगा नहीं रहना जो बंदा सुनता उदो फौरी तौर पर समझ लो तुम मखलूक दूसरी दुनिया चले जाते जी एक खसीदा गोशिया इसलिए मैं कहना पुत्र 400 दफा घट पढ़िया करो तो मैं कहना 11 दफा पढ़िया करो एक दफा मैं कोई 400 दफा पढ़ के यदि मैं मशक करके यानी कि रज रज के जिन्होंने पढ़िया ना सारा दिन भी पढ़ते रहना रात में भी पढ़ते रहना मैं दसिया इन्नी मखलूक पिछले ला ली मैं अपनी दस नहीं सकता तुम मैं दस नहीं सकता दोस्तों ऐसी ऐसी मखलूक पिछले ला ली क्रिश्चन जिन हिंदू जिन जिन्निया मुसलमान जिन जिन्निया ए रात में तुम मैं दसना रात में फिर ओ नज़ारे दिखाते आके उत्थे उत्थे तुम सैला कराते तुम दसदा तुम हैरान से आप हैरान परेशान हो गए फिर दोस्तों एक काम है जो तुम रात को ताकि है निगाह खुल जाए खाप चीज़ा आके दिखा देना अपना सही फिर उस बंद ना तो नज़र निकलती है तुम फिर उस नज़र आती रहती है यह चीज़ा फिर गैब नहीं होती पर बंदा कह मैं हूँ इन छड़ देव दो दिन बाद छड़न नहीं देनी लो दोस्तों मैं खिदा 400 मरतबा पढ़ते जी एक दिन मैं तीन दिन में वर्फा कर दिया खिदा गोसिया मेरे तंगी आनी शुरू हो गई यानी कि इस वक्त खिदा गोसी इसलिए बड़ी पावर जी है तंगी देना शुरू कर दी तो मैं बड़ा परेशान हो गया मैं मैं ती हो गया मैं ना कहीं काम करूँ दिल करे ना पढ़ाई करूँ दिल करे मेरा बस दिल करे बस ठीक हो मैं यह जिक्र करना कहीं खिदा गोले छड़ दिता मेरे दोस्तों उन्होंने अपना आप दिखाना शुरू करता रूहानियत खिदा गोसिया रूहानियत बड़ी जानी कि बुजुर्ग जो बड़े पावरफुल है लो दोस्तों मैं घर आ गया मैं बड़ा परेशान मैं याद ला कोई हल दस मैं किस मुसीबत कोई काम सी मेरा होता नहीं सीखा मैं याद ला मैं की करा हूँ कि काम करा जिस मेरा काम भी हो गया तो मैं हौसला मिले लो दोस्त मैं आकर लेटिया लेटिया रात में
सुता थोड़ा चिर। मेरे दोस्तों तुहानू पता है वीडियो बनाद बनाद तीन चार दफा रुकावट आई है, वो दसन नहीं देंगे फिर बंद दस वीडियो कट हो गई, फिर दोबारा उत मैं तुम दस लगा गल करके भी रात में मैं सुता आके फिर रात को बुजुर्ग आए ने उड़ते उड़ते बुजुर्ग आए ने उड़ते उड़ते लगे जा रहे हैं, मैं देख रहा बुजुर्ग उड़ते जा रहे हैं पिछे नाल उन्होंने लश्कर जा रहे हैं कि अगे अगे आप मतहरा फड़िया उड़ते जा रहे हैं एवें आके एक छत उतरे उतरे ने घर के साढ़े रिश्तेदार घर से उत उतरे तो मैं भी उत्थे चला जाता जो मैं जाना दोस्तों देखने तो एडी एडी तो उन्हें दाड़ी होंगी है तो माशाल्लाह मेरा एवं हाथ फड़ के मतहर बैठे होंगे वो सारे को जहाँ मैं तू किसना है तू किसना है मैं भी उन्होंने को चला जाना मैंने बाबा जी कहते तू किसना है मौलवी इस तरह मौलवी करके कहते मैं जी मैं बाबा जी इस तरह कसीदा कोशिया पढ़ना सा तो मैं हूँ छड़ता है तो पुत्र कहना छड़िया तो ता ही सत्ती आने तेरे शुरू हो कसीदा कोशिया दोस्तों जो तुम शुरू कर छो ना मैंने उन्होंने फिर कहा इन पढ़ दोबारा पढ़िया कर ताकि तेरी मुश्किल दूर हो दोस्तों फिर उस बाद मैं पढ़ता रहा तो अल्लाह ने वो मेरा काम भी कर दिता है और सख्ती भी दूर कर दी। और दोस्तों मैं तुम दसिया ये मैं बजुर्ग ज्यारत बड़िया हुई हैं हज़रत अली की ज्यारत हुई मैनू हज़रत अली ज्यारत हुई है दाता साहब तुम मैं दस जा कलब जारी होया है सीधे गोशे की बरकत न ऐसी ऐसी मखलूक जो मेरे दिल की तमन्ना सी ना दोस्तों वो मेरी पूरी की सूरत मुजम्मल तो कसीदा गौसिया तुम मैं दसदा गाया तो मैं फिर हूँ दोस्तों जो है ना हूँ मैं यानी कि तीन दफा पढ़ा कसीदा गौसिया तो नज़ारे उ मेरे लिए एक दफा पढ़ा मेरे लिए उ तीन दफा मैं सूरत मुजम्मल पढ़ा ग्यारह दफा पढ़ा मेरा काम उस ही होंगे मैंने उस नज़र आई मखलूक ठीक है उस मेरे काम कर रही है लेकिन दोस्तों तुम मैं दसदा मैं जरा ना जरा मेरा अजकल ममूल है वो सिर्फ हैगा अल्लाह अल्लाहू इनू मैं एक दिहाड़ी 90,000 दफा 1,00,000 दफा जिक्र पूरा करना होंगे है यह सिर्फ कसीदा गौसिया की बरकत सूरत मुजम्मल की बरकत हज़रत अली की मेरे की निगाह गौस पाक की निगाह दाता साहब की निगाह मेरे मुर्शिद निगाह और नबी पाक की निगाह है तो फिर ही यह काम मैं शुरू किया है तुम दसदा ठीक है यह तुम समझ आ गई है कसीदा गौसिया पढ़न दे कैसे कैसे बुजुर्ग तुम ज़ियारत होंगी है और तुम आके इशारा भी करते हैं नहीं बुजुर्ग है तुम अपने आप अंदाजा हो गया हज़रत अली इन्ने जाए गौस पाक तुम पहले उत्ते लोग शोर पाते होंगे ने वो कहते कौन आ रहे हो कहते हज़रत अली आ रहे हैं इस तरह बंदे पता लगता फिर हज़रत अली ने यह गौस पाक ने इस तरह तुम यानी कि इशारा पहले दिता जाएगा फिर तुम पता लगता कि बुजुर्ग साड़ी खाब से आ रहा है दोस्तों यह कसीदा गौसिया पाक पढ़न का 400 दफा पढ़न का नतीजे यह है जे तो मैं तुम दोस्तों यही कहूँगा कसीदा गौसिया जड़ा है ना इन सिर्फ तुम 11 दफा पढ़ो हाँ जिन्होंने मखलूक देखने का शौक के कमाला देखने का शौक जो बंदा कहना मेरा धड़ उत्थे पिया हो तो मेरी उत्थे पई हो बाजू मेरे उत्थे पे हो नज़र नहीं आते यह ढंग दस उन्होंने नहीं नज़र आते वो अपनी मंजिल करता हूँ पै के देखना नहीं दिखाती मखलूक जी होती दिखाती है वो खापा देने वो बंदा कतल हो गया बंद धोन कितने पी बाजू कितने पे जो आगे देखते हैं वो बंद उत सही सलामत होंगे यह मखलूक होंगी है मखलूकात जी होंगी ना यह दिखाती है कमालात करके बंदे ताकि बंदा आम आम के दिन शौक पैदा हों कहते पता नहीं बंद कि कैसी मंजिल है मंजिल होंगी है यह इन्नी छेती नहीं होंगे तुम दसदा यह जो बंदा 400 पढ़ेगा इनू हर रोज पढ़ो तो फिर ताड़े तो यह ये सरार खुले ने फिर तुम पता लगे 400 पढ़ का यदा फायदा की है दोस्तों मैं तुम दसिया मैं इनू एक दफा तो शुरू किया 400 दफा तक लै गया कसीदा गौसिया और कसीदा गौसिया की इन्नी जलाली पढ़ाई जे इन्नी जलाली पढ़ाई जे बंदा यानी एक दफा ना जिन्होंने कहते ना बेबस हो कर दी बंदे तनहा कर दी कला कर दें भैन भरावान भैन भरावान जोगा नहीं छड़ दी कला एक बंदा अपने आप कहता बस मैं कला दरबार से बैठा जंगलों चला जा इधर इस पास कसीदा गौसिया लै आता जे इसलिए दोस्तों इनू तुम थोड़े अगर मैं रिक्वेस्ट ही कराँगा जिस तरह सूरत मुजम्मल ही करना 40 दफा पढ़ो 70 दफा पढ़ो 111 दफा पढ़ो 170 दफा पढ़ो वैसे इस इतनी तादाद बड़ी है मेरे ना बड़ा कुछ सामू हो जाएगा पूरा यानी कि मेरी तो समझो वो बेवकूफी मैं कहाँगा जब मैं 400 दफा पढ़ना तुम दसदा
लेकिन उस टाइम बंदे जनून चढ़िया आंदा, जनून जिहड़ा आंदा ना ताकत बनाने मखलूक देखने का बंदा नहीं भाग आता। हालांकि मेरे बाबा जी नूं कहिंदे पुत्र जिक्र नूं तू चुके रखना है, इहना वगे जिक्र तैनू चुक लवे। मैं कहना बाबा जी किस तरह होता जिक्र नूं चुक लवे? कहिंदा जिहड़ा सड़कां ते नंगे लगे फिरदे ना, फकीर लगे फिरदे, बाबे बने गए नंगे हो गए ने, इन्हां ने जिक्र नूं इन्हां ने चुक लिया, यानी कि इन्हां नूं बद हजमी हो गई है। उन्होंने कहा जिस तरह बंदा एक दुनियादार बंदा दुनिया की मिसाल मैं दे रहा, बंदा दो रोटियां खाता है तो बड़ा सुकून च रहा। बाबा जी मेरी मिसाल में कहना दो रोटियां खाएगा तो बड़ा सुकून च रहेगा, तेरा पेट भी सड़ रहेगा हर चीज़ से। जिथे तू दो जगह चार रोटियां खाएगा या पांच खाएगा एक टाइम तेन बद हजमी हो जाएगी। इस दोस्तों इस लैंड भी कम है, इस लैंड भी यही मकसद है, जो बंदा पढ़ाई एक जरूरत तो ज़्यादा करता है फिर उन्होंने बाधा समी हो जाती है, तो फिर बंदा बेबस हो जाता है, मसूकत संभाली नहीं जाती बंदे को, फिर वो बंद बेतुकियाँ बंदा गल्ला करता, कल्ला बैठा गल्ला करी जाता है, कपड़े पाड़ देता अपने, सड़कों में नंगे नठे फिरते हैं, इनू पढ़ाई चुक लेंदी, इनू कहते हैं पढ़ाई बंद चुक लेंदी। इसलिए दोस्तों यह वीडियो बनाते मैं दो तीन बार बच्चे रुकावट पैदा हुई है, किसी तरह उसकी यदि मंजिल हैगी है यानी कोई गल्ला बोलिया नहीं कर दिन मैं दस दाँ, यदि ऐसी मखलूकत ऐसी रूहानी बड़ी पावर वाली है तुम मैं दस दाँ। और मैं तुम दसिया जे थोड़ी सोच नहीं जाती जिते तुम कसीदा गोशिया पहुँचा जाएगा तुम दस दाँ, कसीदा गोशिया ऐसी मंजिल हैगी है जो दोस्तों कसीदा गोशिया तुम मैं दिता दस इन चार सौ दफा पढ़ना है, जे तुसी नहीं पढ़ोगे तो रात को तुम्हें गाइड किया जाएगा, आके तुम जो बुजुर्ग होंगे तो तुम आके रात को पूछेंगे दसेंगे हम जो कसीदा गोशिया क्यों नहीं पढ़ता, जब पढ़ेगा तेरा फायदा होना है, इन्हें छड़ना नहीं है। दोस्तों यह तुम मैं दसा रुजत वगैरह उन्होंने होंगी जरा पढ़ाई करता करता छड़ दिता है, उन्होंने रुजत हो जाती है, सिर्फ जो बंदा इन अपना दिल का पहले राजा राजी करे पढ़ पढ़ के चार सौ दफा पढ़े जो भी पढ़े, उस तो बाद ग्यारह दफा तीन दफा रखे अपना यानी कि अबूर हासिल करने वास्ते आगे तारे पकड़ रहे पढ़ाई जड़े मखलूका ताे नाल रहे, जो तीन दफा पढ़ोगे मखलूका जी चार सौ दफा पढ़ना आती थी हूँ मैं तीन दफा पढ़ना और रात में उन्होंने नाल होना वह है कसीदा गोशी बरकत। जो तो है तुम कसीदा गोशिया दस दिता है भी इस तरह पढ़ो इस तरह, और उस तो अगे हम तुम कहते बाबा जी असं इस्तगारा करना चाहते कसीदा गोशी ने इस्तगारा कर सकते हो? मेरे दोस्त जो इस्तगारा तुम कहीं नहीं करना है, ऐसी ऐसी मुश्किल दूर करना तुम हैरान से परेशान हो जाओगे, लेकिन तुम कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं आई, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन्हों कसीदा जिन्हें जरा अपना सीखना चाहता है इस्तगारा तस्वीर वाला तस्वीर वाला इस्तगारा सीखना चाहता है मेरे दोस्तों, यहाँ मसला कोई नहीं है, इन्हों तुम सूरत आलम शरीफ इनू हर रोज़ सुबह की सुनता पढ़ के फर्जा दरम्यान इकताली दफा हर रोज बंदा पढ़ता, जरा बंदा सूरत फातिहा वो एक दो चिरें में कि वो तस्वीर काम करना शुरू कर इस्तगारा खुल जाता है। फिर एक हूं जुबानी कहना, एक हूं इशारा करना, तस्वीर तस्वीर चल पैंती है, देखो तस्वीर इशारा किसान करना है, देखो यह गोल क्या मैं गोल घूम ठीक है ना गल मटाटना कर रहा, लेकिन दोस्तों इन्हें गोल घूमना शुरू कर दिता है। यह है यानी कि तुम जो ढे अखा पैर नूर पैदा होंगे तो नाले चेक भी होता है, नाले इस्तगारा बंदा इतना कर सकता है। यह तुम दस जो इस्तगारा तुम करना चाहते हो दोस्तों, पहले तो मैं रोक दवा मैं रोकी है सुबह की सुनता पढ़ के फजर दिया फर्जा दरम्यान चाली दफा या इकताली दफा सूरत फातिहा पढ़ो, अगे पिछले दोष रख के इनू छोड़ो ना, चंद दिनों में इस चीज़ के तारे को तस्वीर ढी हिलनी शुरू होगी, तस्वीर तुम दसना शुरू कर देगी। लो दोस्तों यह तुम मैं बड़ा आसान तरीका दसिया, और दोस्तों तुम दूजे नंबर से जो भी तुम इस्तगारा कराना हो अपने शहर का ना दसा करो, एक अपना ना एक अपनी वालदा का ना। और दोस्तों वीडियो तुम सबसक्राइब करो, तुम मैं हूँ बच्चे ने बड़ा खपया कैमरा बार बार बंद हो जाता जी, उन्हें फिर दोबारा दोबारा करके उन्हें सैट कर दिया, वो कराया करो, वो इन्नी मेहनत ना आता लै कैमरा वह टाइम लाया होंगे बच्चे। दोस्तों तुम काम इनू लाइक भी करा करो, वीडियो शेयर भी करो, सबसक्राइब भी जरूर करा करो, जो फिर इन करो तो फिर बाबे आप इंशाल्लाह याद करो। अस्सलामु अलैकुम।